तो एक्सेल में हम बात कर रहे हैं एरे फॉर्मूला। एरे फॉर्मूला क्या होता है? एरे का मतलब होता है सिक्वेंसली अरेंज करना। अगर हम स्टैटिक्स में जाएं, सांख्यिकी जो हम लोगों की कॉलेज लाइफ में थी, उसमें एरे का मतलब होता है सिक्वेंसली अरेंज करना। तो एक्सेल में भी समथिंग यही होता है, सिक्वेंसली अरेंज करना ही होता है। जैसे मैं यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से लिख रहा हूँ। अब इसी को एरे फॉर्मेट में हम लोग आसानी से लिख सकते हैं कुछ इस तरह से। कर्ली ब्रैकेट में, कर्ली ब्रैकेट के अंदर में 1, 2, 3, 4, 5 और फिर हम एंटर प्रेस करेंगे तो वो उसी हिसाब से सिक्वेंसली अरेंज कर देता है। अब बेनिफिट क्या है इसका, किस तरह की बेनिफिट है इसकी? देखिए क्या होता है कि अगर आपको कोई फॉर्मूला लगाना है और फॉर्मूले में सब कुछ सेम है, बस एक इनपुट बढ़ता घटता जाता है। जैसे कि हमने वी लुकअप में बात की थी, तो एक बार और वी लुकअप में आपको यहाँ बता देता हूँ। वी लुकअप में हमने बात की, जैसे कि मेरे पास मान लीजिए डेटा है और मुझे यहाँ वी लुकअप लगाना है, आईडी नंबर मान लीजिए 10 का। तो यहाँ जब हम वी लुकअप लगाएंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे और हमने अपना रेंज दिया और यहाँ पे हमने दिया (2, 0) यहाँ 2 आया। फिर अगेन मैं यहाँ पे वी लुकअप करता हूँ और इसको लेता हूँ, इस बार भी बिल्कुल सब कुछ सेम है, बस इस बार यहाँ पे 3 करना है 2 के जगह पे। और यहाँ जब हम वी लुकअप लगाएंगे तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमें 3 के जगह पे 4 करना है। तो आप देख पा रहे हैं कि फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, बस हर किसी का अलग अलग इनपुट्स है, अलग अलग इनपुट्स हैं। तो इसी को हम जो है सिक्वेंसली अरेंज करेंगे। कैसे, देखिए मैं इसको इनको डिलीट कर देता हूँ और हम एक एरिया, पूरे एरिया को सिलेक्ट कर लेते हैं और हम पहले काउंट कर लेते हैं 3, 4, 5, 6, 7, 8। उसके बाद यहीं पे हमने कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख देना है यहाँ पे 2, 3, 4, 5, 6, 7 और कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर देना। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे सिक्वेंसली नहीं होना चाहिए, ये आपके फील्ड के अगेन सिक्वेंस होना चाहिए। कंट्रोल शिफ्ट एंटर प्रेस कीजिए और देखिए एक ही फॉर्मूला यहाँ पे हो गया। तो ये जो हमने कर्ली ब्रैकेट में 2 दिया है, जैसे कि हमने यहाँ आपको बताया कि यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 है, इसको 2 दे दिया, इसको 3 दे दिया, इसको 4 दे दिया, इसको 5 दे दिया, इस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग सेम यहाँ भी यही हुआ कि जो सीक्वेंस है इसको 1, 2 दे दिया, इसको 3 दे दिया, इसको 4 दे दिया, इसको 5 दे दिया, इसको 6 दे दिया और इसको 7 दे दिया। तो आपका बेनिफिट क्या हुआ कि अलग अलग फॉर्मूलेज लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, हमने एक ही फॉर्मूला लगाया और हमारा बाकी हर एक सेल में डेटा एंट्री हो गई। अब इसकी एक और प्लस पॉइंट है कि आप किसी एक को डिलीट या चेंज नहीं कर सकते हैं। डिलीट या चेंज होगा तो पूरे को होगा, जिसमें हमें कंट्रोल शिफ्ट एंटर प्रेस करना होगा, अदरवाइज किसी का नहीं होगा। ओके, समझ में आ गया आप लोगों को? जी सर, क्लियर। ओके, कोई डाउट इसमें? नहीं नहीं, क्लियर है। चलिए आगे बढ़े। ओके सर, ahem.